कल किसी ने प्रश्न पूछा तो आज ये प्रसंग चल पड़ा, तो मैंने आपको निवेदन किया। बहुत बार जीवन केवल इसी व्यर्थ की तू तू मैं में उलझ जाता है। मत गवाइए जीवन, बड़ा अमूल्य समय है। किसी भी स्थिति में हो आप भजन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। और यदि आप ईमानदारी से इस मार्ग पर चलते हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि आपके लिए मार्ग ना बने। आज नहीं तो कल बनेगा, पर बनेगा। धीरज धरिए, और हो सकता है प्रभु ने आपके आपके धीरज को, आपके धैर्य को बढ़ाने के लिए यह परिस्थिति आपके लिए प्रस्तुत की। आपका उद्देश्य पवित्र है तो कोई भी प्रतिकूलता आपको और सुंदर बनाने के लिए आई है, आपके जीवन को निखारने के लिए आई है। हो सकता है आपका धैर्य बढ़ाने के लिए प्रभु ने यह परिस्थिति रखी। सबके प्रति सद्भाव, ये वो गुण है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद ही ये डगर दिखाई पड़ती है। सबके प्रति सद्भाव, तो सब सर्वप्रथम विनम्रता, मन में कृतज्ञता, तन पे विनम्रता और मन में कृतज्ञता, झुका रहे आपका मस्तक प्रभु के चरणों में। और एक बात आपको अपने अनुभव से और बता दूं कि प्रभु के चरणों में जिसका सिर झुक जाता है, प्रभु के चरणों में जिसका मस्तक झुकता है, उसके सामने मस्तक उठाने का दुस्साहस फिर माया कभी नहीं करती। ऐसा संतों का अनुभव है। एक बार अपना मस्तक झुकाइए प्रभु के चरणों में। भगवान कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। जो मेरे सन्मुख झुक जाता है, शरणागति स्वीकार कर लेता है, जो सभीत आवा शरणाई राखौं ताहि प्राण कीना। आप समझते हो कि ये दंगल आप अपने बल से जीत जाओगे, पर ऐसा होगा नहीं। संग सखा सब तज गए और कोई ना निवयो साथ, कहे नानक यह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ, एक टेक रघुनाथ। तो विनम्रता, कृतज्ञता। और दूसरी बात जो हमने कल चिंतन किया था, तत्सुख सुखित्वम, ये प्रेम का और परिष्कृत गुण है कि जिससे प्रेम करते हैं आप उसके सुख का विचार हो। और संसार में देखो, लाख प्रयास करने पर भी ऐसा नहीं होगा। आप जिससे प्रेम करेंगे आप उस पर अधिकार करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि वो आपके अधिकार में आ जाए। और यही भावना प्रेम की निर्मलता को दूषित कर देती है, प्रदूषित हो जाती है भावना। आप अधिकार कर लेना चाहते हैं, और ऐसा नहीं कि आप करना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहूंगा। अगर मैं संसार में प्रेम करता हूं तो यही घटना घटेगी, क्योंकि संसार का स्वभाव यही है। कोई भी प्रेम की भावना को यदि यदि यहां पर लगाएगा तो परिणाम यही आएगा, आप अधिकार करना चाहेंगे, आप भीतर से भयभीत हो जाएंगे, राग द्वेष ईर्ष्या ये जन्म लेते हैं हृदय में। मैं कितनी बार देखता हूं, दो शिष्य एक गुरु की सेवा करते हैं, दो शिष्य एक गुरु की सेवा करते हैं, आपस में ईर्ष्या करते हैं, आपस में ईर्ष्या करते हैं। तो ये प्रेम की भावना नहीं है। प्रेम के कुछ लक्षण हैं, प्रेम स्पर्श करते ही दे देना चाहता है अपने आप को। आत्मनिवेदन से स्फुरणा होती है प्रेम की, दे देना चाहता है प्रेम। तत्सुख सुखित्वम, और फिर इसके आगे बढ़ता है जहां प्रेम पकने लगता है, ये फल जहां उसमें रस प्रकट होता है, वो है अनन्यता। अपने इष्ट और आराध्य को छोड़कर किसी की भी ओर न देखना। बड़ी प्यारी पंक्ति तुलसी बाबा की है, बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे वा बनवे में धूल।
अभी अभी मैं कानपुर से आया तो मीरा जी की चर्चा हो रही थी वहां 3 दिन। तो आप देखो, मीरा जी का विवाह हुआ, बड़ी दूर से देखोगे तो बड़ी छोटी सी बात थी। मीरा की सास ने कहा कि ये कुल देवी है, इसको प्रणाम कर लो। अगर मीरा प्रणाम कर लेती तो क्या बिगड़ जाता? कुछ भी तो नहीं, सास भी प्रसन्न रहती, ससुराल वाले प्रसन्न रहते, हर कोई प्रसन्न रहता। और प्रणाम कर लेती तो देवी जी से भी कुछ मिल ही जाता, प्रणाम करती तो कुछ मिलता ही, आशीर्वाद मिलता है प्रणाम करने वाले को। पर मीरा ने प्रणाम नहीं किया। क्या यह मीरा का अभिमान है? क्या यह मीरा का अभिमान है? दूर से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि मीरा अभिमानी है। सास ने कहा कुलदेवी को प्रणाम करो, आशीर्वाद मिलेगा, और प्रणाम नहीं करती। दूर से देखोगे तो अभिमान लगेगा। पर जैसे मैंने कहा कि भक्त हुए बिना भगवान के पास तो आप जा सकते हो, लेकिन संत हुए बिना संत को नहीं समझा जाता, भक्त हुए बिना भक्त को नहीं समझा जाता। निकट जाकर देखोगे तो यह अभिमान नहीं है, यह प्रेम का आत्मसम्मान है कि जो मस्तक मैंने अपने गिरधर गोपाल के चरणों में निवेदन कर दिया, दिल दे के दिलवर प्यारे नू फिर प्यार पुलाया नहीं जानदा, सिर रख के यार दे कदमाते कदे फेर उठाया नहीं जानदा, दिल इक है जान इक है दीन इक है ईमान इक है, जद रब रसूल कुरान इक है फिर दूजा यार बनाया नहीं जानदा। इस सिर है अमानत सतगुरु दी, था था ते झुकाया नहीं जानदा। इस सिर है अमानत सतगुरु दी, था था ते झुकाया नहीं जानदा। ये दिल है अमानत प्रीतम दी, था था ते लगाया नहीं जानदा। दिल है अमानत। तभी बाबा फरीद कहते हैं, वे कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदे, वे तू जहान तो की लड़ई तेनु यार चाहिदे, इस सिर नु चुकाना एक वार चाहिदे, तू जहान तो की लड़ई तेनु यार चाहिदे। ध्यान रखना बाप, जितना मन बिखरेगा उतना मन दुर्बल होगा, और जितना जितना आप दुर्बल होते हैं, आपने कभी देखा बहुत लंबी बीमारी के बाद, बड़े लंबे रोग के बाद जब शरीर में दुर्बलता आती है, आप काम करना चाहते हैं नहीं कर पाते, आप परिश्रम करना चाहते हैं नहीं कर पाते, परिणाम क्या आता है? खींचते हैं आप, चिड़चिड़ापन आता है, खींच होती है। कारण क्या है? दुर्बलता है। जितना मन बिखरेगा उतना मन दुर्बल होगा, जितना मन दुर्बल होगा उतना मन व्याकुल होगा, जितना मन सिमटेगा, जितना मन एकाग्र होगा उतना मन स्वस्थ रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भक्ति का मार्ग ये अनन्यता का मार्ग है, ये अनन्यता का मार्ग है। एक बार रखा इस मार्ग पे पद पग, थोड़ा धीरज धरिए, थोड़ा धीरज धरिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए, प्रार्थना भी करिए और प्रार्थना के साथ साथ प्रतीक्षा भी करिए, परिणाम आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, तेरी बनत बनत बन जाए। और भाई संतों का अनुभव यही कहता है, आज कल या आने वाले कल में कभी किसी ने सुख पाया है तो वो यहीं से पाया है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार तेरे में। मैं देख रहा हूं आप 2 दिन से गाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं आपको गाने नहीं दे रहा। ठीक है, आप और मैं मिलकर गाएंगे, पर उससे पहले एक प्रश्न पूछ लूं, ये बात रह न जाए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस चर्चा का विराम यही होना चाहिए, प्रेम विश्राम यही पाता है, प्रेम का फल पकता है अनन्यता के बाद, उसमें रस तभी आता है।
आप में से कितने लोग हैं हाथ ऊंचा करके बताइए जो वैष्णव हैं? बहुत सारे लोग हैं। और जो लोग वैष्णव हैं उनमें से कितने ऐसे लोग हैं कि जिस दिन गुरु से मंत्र लिया, जिस दिन हाथ में माला झोली उठाई, हरि नाम जपा, उसके बाद फिर हरि नाम के अतिरिक्त कभी किसी से आशा नहीं लगाई? यदि ऐसा है तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। मन न जाए कहीं और, मन न जाए कहीं और। अन्याश्याणाम त्यागो अनन्यता, सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिपः। कृष्ण 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 है, गोपी कहती अरे उधो मन ना भय 10-20। हालांकि उद्धव तो गोपी के मन की व्यथा हरने के लिए तो आए। गोपी बड़ी पीड़ा में है, उद्धव को ऐसा लगता है, पर प्रेमी को पीड़ा पीड़ा नहीं लगती, यही प्रेम का गुण है। आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको सुख सुख लगेगा, दुख दुख लगेगा, लेकिन आपको प्रेम हो गया तो सुख तो खबर नहीं सुख लगे कि नहीं लगे, सुख तो खबर नहीं सुख लगे कि नहीं लगे, लेकिन दुख में बड़ा आनंद आएगा, दुख में बड़ा आनंद आएगा। दुख देवे सुख देवे झोली विच पालवा, दुखानु विदातया सुखा नाल लालवा। दुख देवे सुख देवे मैं झोली विच पालवा, दुखानु विदातया मैं सुखा नाल लालवा। जिड़ा वेला आवे ओयो, जिड़ा हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। ये प्रेमी हृदय कह सकता है, इतना बल प्रेम का ही हो सकता है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जूरा तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। एक प्रेमी हृदय प्रेम का ही बल इतना इतना निर्भय बना सकता है जीव को, कि ज्यों राख है त्यों रहिए, मुख से मुस्कान ना जाए, मुख से मुस्कान ना जाए। क्या 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 प्रतिकूलता नहीं आई पांडवों के जीवन में। मैं तो कई बार विचार करता हूं और देखता हूं कि भाई कौरवों ने तो जीवन में बड़ा थोड़ा दुख पाया, दुख तो कष्ट तो पांडवों ने झेले, जीवन भर झेले। कौन सा बल था? श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम था, कृष्ण के चरणों का अनुराग था। मैं तो कभी द्रौपदी का चिंतन करता हूं तो कैसी भक्ति रही होगी उसकी, कितना अपमान, कितनी पीड़ा संसार से मिली, पर कैसी श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति है, कितनी सहनशीलता, कितनी तितिक्षा। 5 पुत्र 100 पुत्र मार दिए अश्वत्थामा ने। भगवान ने भी कहा कि ये अब जीवन धारण करने योग्य नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं रहा, ये तो आतताई है, ये तो इस धरती पर बोझ है, इसको मार देना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन इसका वध कर दे,
भीम ने गर्दन पकड़ी, अर्जुन जैसे ही प्रहार करने लगा चिल्लाई, द्रौपदी रुक जाइए, मैं एक माता हूं, मैं जानती हूं अपने पुत्र को खो देने के बाद कैसा कष्ट होता है। मेरे हृदय में आज जो पीड़ा है, कुछ क्षणों के बाद वही पीड़ा इसकी माता को होगी, और पीड़ा बढ़ाने से कभी पीड़ा समाप्त नहीं होती। ये दर्शन, ये दृष्टि, ये भाव, ये चिंतन, ये विचार, ये मन की निर्मलता, ये पवित्रता, ये भगवान का प्रेम देता है। कहते हैं कि श्री द्वारिकाधीश की आंखों से अश्रु छल छला पड़े जब द्रौपदी ने कहा इसे क्षमा कर दीजिए, एक तो ये गुरु पुत्र है, ये वध के योग्य नहीं है, और आज जो पीड़ा मुझे हो रही है कुछ क्षणों के बाद यही पीड़ा इसकी माता को होगी। धन्य है भारत की भूमि जिस पर ऐसे ऐसे भक्तों ने अवतार धारण किया है। काल को जीतने का एक एक यही अवसर भी है, यही उपाय भी है, यही युक्ति भी है। एक बार योग्य होइए श्री कृष्ण से प्रेम करने के। हाथ में विष का प्याला है, पर मीरा मुस्कुराती है, उसके मुख से वो मुस्कान नहीं जाती। वो मुस्कान किस कारण से है? हृदय में बल है, हृदय में विश्वास है, भरोसा है, आस है। क्या हुआ यदि हाथ में विष है तो? क्या हुआ यदि तन में विष है तो? मन में तो श्री कृष्ण के प्रेम का, श्री कृष्ण के नाम का अमृत है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। और एक बार कुछ दिन के लिए अनुभव करके देखना, प्रयोग करके देखना, बिना किसी आशा के, बिना किसी कारण के। आप साधन करते हो कारण के लिए करते हो, इसलिए मन कहीं ना कहीं उलझा रह जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा जपिए, फिर केवल प्रतीक्षा करिए, परीक्षा मत करिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद। वैसे मैं अभी कीर्तन नहीं कराता, इसलिए करा रहा हूँ कि अभी आधा घंटा और है और बहुत से लोग बेचारे पीछे खड़े हैं। आप थोड़ा और आगे आगे आ जाओ, कुछ लोगों को जगह मिल जाएगी बैठने की। और आगे आगे तो आ जाओ, और जिनको जाना है वो चले भी जाओ, थोड़ी जगह बन जाएगी ना। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। चलने का समय निकट आ रहा है, आपके मन की इच्छा मन में न रह जाए। जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार। मन लागो मेरो यार फकीरी में,
जगीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख नाही अमीरी में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 साहेब मिले सबूरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो लोग यहाँ शीशे से देख रहे हैं ना, आप लोग भी ताली लगा लो, आप भी शामिल हो जाओ। देखो आज जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक मुझे कोई ना कोई कथा सुनता दिखाई पड़ रहा है। मैं तो सोच रहा था आज आधे लोग आएंगे कल की डांट खाने के बाद। मुझे ये पता होता दुगने आएंगे तो मैं पहले ही दिन डांट देता। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन 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 में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो तो चर्चा विराम की ओर आगे बढ़ रही है। जो यहां से कहा सुना गया एक बार सब भावों को समेटते हुए, एक कि संसार को प्राप्त करने के अधिकारी आप हो न हो मैं नहीं जानता, पर जिस विषय की आप और मैं चर्चा कर रहे हैं कृष्ण प्रेम, इसको प्राप्त करने में आपका मेरा सबका बराबर का अधिकार है। सबसे पहली बात तो ये, आप जहां जिस अवस्था में हैं, जैसे भी हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस व्यवस्था में, और आप जैसे भी हैं, श्री कृष्ण आपको वैसा ही स्वीकार करने को प्रस्तुत हैं। प्रेम परिवर्तन करने को नहीं कहता, प्रेम स्वयं समर्थ है। आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है प्रेम का स्पर्श करते। लोहा लोहा नहीं रहता जैसे पारस स्पर्श करता है उसे, लोहा कंचन हो जाता है, उसका मोल बदल जाता है, उसका गुण बदल जाता है, उसका धर्म बदल जाता है, उसका स्वरूप स्वभाव बदल जाता है। ऐसे ही गुरु की कृपा से जब प्रेम रूपी पारस स्पर्श करता है फिर जीव जीव नहीं रहता, जानत तुम्ही हो जाए, प्रेम स्वरूप हो जाता है जीव। तो आप आज से पहले का जीवन जैसा भी रहा कोई आपसे प्रश्न नहीं करेगा, कौन सु उत्तम कौन गंवार, आप कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, आपने आज से पूर्व क्या साधन किया क्या नहीं किया, श्री कृष्ण आपसे ये प्रश्न नहीं करेंगे। आप जहां जैसे भी हैं बस अपना अपने अपने मन को निवेदन करिए। आरंभ कहां से करें, आप जैसे ही सुबह जगें रात को सोएं, सुबह जगने के दो क्षण और रात को सोने से पहले के दो क्षण ये धन्यवाद के हों। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा।
सुबह उठते ही अपने जीवन में माधुर्य घोलिए इस धन्यवाद का। इससे मधुर जीवन में और कुछ नहीं है। मैं आपको बड़े अनुभव से कह रहा हूं। आंख खुलते ही प्रयास ऐसा हो जुड़ जाए आपके हाथ और ये धन्यवाद का स्वर। एक दिन आप देखेंगे कि आंख खुलते ही भर जाएंगे आपके नेत्र प्रेम के उन बिंदुओं से जिससे त्रिभुवन पवित्र होता है। इस सारे अस्तित्व में प्रेमी के आंख में उभरे हुए अश्रु से पवित्र और कुछ नहीं है। मैं आ तो गया मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबान मैं जैसे ही आंख खुलती है, ये कृपा संतों की है, मेरे सदगुरु की है। आंख खुलते ही सबसे पहला शब्द जिह्वा पर आता है। और मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा और मैं बिल्कुल शत प्रतिशत सत्य कह रहा हूं, मैं जब स्वयं को देखता हूं तो मुझे लगता है मुझसे सुखी संसार में और कोई नहीं, मुझसे अधिक भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं। प्रभु ने अपने चरणों के इतना निकट रखा। ये जीवन संसार के किसी गर्त में पड़ा होता, संसार की गलियों में भटक रहा होता। जैसे ही आंख खुलती है, आप इसे मंत्र समझकर ग्रहण करना। आंख खुलते ही और रात को जब नेत्र मूंदते हैं, मेरे मन चित्त में केवल एक भाव होता है, मेहरबान मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान। सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। कुछ दिन के लिए मेरे कहने से ये प्रयोग करके देखिए जीवन में। सुबह उठते ही जुड़ जाए आपके हाथ, शैया का त्याग करने से पूर्व हृदय में एक भाव भरकर, मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान। जीवन में सुख होगा तो बढ़ जाएगा केवल इस शब्द कहने से, क्योंकि एक सच्चे संत की वाणी है, गुरुजनों की वाणी है, अमोघ है। जीवन में सुख होगा तो बढ़ जाएगा, दुख होगा तो घट जाएगा। मेहरबान मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान। सुख पाया जो लोग भगवान को नहीं मानते और केवल एक शक्ति को स्वीकार करते हैं, वो भी ये मानते हैं कि प्रसन्नता का विचार करने से प्रसन्नता आती है, पीड़ा का विचार करने से पीड़ा बढ़ती है। इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव, नेगेटिविटी विल इंक्रीज, एंड इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, यू विल फील पॉजिटिव। दुख का विचार करने से दुख की अभिवृद्धि होती है, सुख का विचार करने से। हो सकता है यहां अभी किसी के मन में प्रश्न हो कि जब चारों ओर दुख हो तो कैसे मन कहे सुख पाया, न कहे मन, केवल जिह्वा कहे। दवा लेने का मन नहीं होता, पर कभी कभी दवा लेना विवशता होती, कड़वी दवा विवशता होती। हो सकता है आपका मन स्वीकार ना करे, पर मैं कहूंगा कि एक बार केवल वाणी से कहिए, मेहरबान मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान। सुख पाया रहमत तेरी
सुख पाए। भाव से शीस झुकाइए प्रभु के सन्मुख और भाव से ही प्रभु की चरण धूल अपने माथे पर चढ़ाकर फिर कूदिए संसार में, हनुमान जी की तरह पहले प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और फिर जलधि लांघ गए अचरज नाही। एक बार भाव से मस्तक झुकाकर प्रभु के चरण धूल चढ़ा लीजिए अपने मस्तक पर, फिर कूदिए संसार में। एक मिठास घुलती है जीवन में इस कृतज्ञता के भाव से। आप केवल गा रहे हैं। मैं जहां कहीं जाता हूं, अगर कभी किसी समय भूल जाऊं ये गुनगुनाना, तो मुझे कोई कहता है कि इस बार आपने सुख पाया ये क्यों नहीं गाया। अगर कभी मैं भूल भी जाऊं तो कोई याद दिलाता है क्यों नहीं गाया। बार बार क्यों सुनना चाहते हैं आप? क्योंकि सुख मिलता है, क्योंकि मन सुख पाता है, इस भाव में सुख है। मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। इस भावना में सुख छिपा है, इस विनम्रता में, इस कृतज्ञता में, इस धन्यवाद में मिठास छिपी है कहीं जीवन की। घोलिए इसे नित्य प्रति अपने जीवन में। कितनी कटुता है जीवन में, कितनी पीड़ा है संसार में। व्यवहार में चले जाने के बाद तो फिर कांटे ही कांटे हैं, उलझन ही उलझन है, पीड़ा ही पीड़ा है। संसार का व्यवहार तो सुख दिखाई दे तो भी दुख है, और दुख तो है ही संसार में दिखाई देने वाला। दुख तो दुख है ही, सुख उससे भी बड़ा दुख है। तो वहां तो पीड़ा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। दुखालयम शाश्वतम, नानक दुखिया सब संसार। इसीलिए व्यवहार में पड़ने से पहले सावधान होकर जाइए, मस्तक झुका कर जाइए, आपकी सदा जय होगी, मन प्रसन्न रहेगा, जीवन मधुर रहेगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब ये धन्यवाद का, जब ये कृतज्ञता का भाव जीवन में स्थिर होने लगेगा, जब तन के साथ साथ मन भी स्वीकार करने लगेगा, जब तन के साथ साथ मन भी मानने लगेगा, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। एक दिन मन मानेगा, और भरोसा करिए मेरी बात का, जिस दिन मन माना, जिस दिन आपका मन मान गया, फिर उस दिन प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार पक्की। मन ही तो लग रहा है चारों दिशा जगीरी में, फिर जहां पैर रखिए आप। मैं तो कई बार कहता हूं, ज्ञानी मार्ग खोजता है, ज्ञानी मार्ग खोजता है, बड़ा परिश्रम करता है वो, और कर्मकांडी तो केवल भटकता है, उसे कभी मार्ग नहीं मिलता। ज्ञानी मार्ग बड़े परिश्रम के बाद खोजता है, और जिसे लगता है मैं करके पालूंगा वो तो केवल भटकता है। कर्म योग का अर्थ केवल कर्म की सत्ता में विश्वास करना नहीं है, कर्म करके फल प्रभु के चरणों में विनम्र होकर निवेदन कर देना, इसका नाम कर्म योग है। ट्राई करके लोग कहते हैं हम तो कर्म में विश्वास रखते हैं, भगवान में विश्वास नहीं रखते। जैसे आज जहां से मैंने आरंभ किया, आप प्रेम तो मानते, कृष्ण नहीं मानते, तो प्रेम तो भाई कुकर सूकर से भी हो जाता है, हो जाएगा, जीवन चला जाएगा। मैंने शायद पहले भी कभी बताया था, एक बार किसी के घर गया दिल्ली में, तो बोले अब मैं आपको अपने परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य से मिलाता हूं। तो मैंने कहा मिलाओ, गोद में उठाकर लाए वो छोटा सा, काव काव करता, और वो व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि महाराज बस हम इसके बिना नहीं रह सकते, सबके बिना रह सकते इसके बिना नहीं रह सकते। मन में मैंने विचार किया कि देखो ये जीव की दुर्दशा है, प्रेम जैसा अमूल्य भाव जो श्री कृष्ण को निवेदन किए जाने योग्य है, जो प्रभु के चरणों में चढ़ाने योग्य है, उसे जीव अपनी मूर्तावश कहां कहां लगाता है। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं,
प्रेम है, कृष्ण नहीं है तो पतन हो जाएगा। कृष्ण है, प्रेम नहीं है तो अभाव हो जाएगा। इन दोनों का जब तक संयोग ना हो, जब तक कृष्ण और प्रेम दोनों ना हो जीवन में, तब तक जीवन सफल सार्थक नहीं है। कृष्ण भी हो और प्रेम भी हो। क्या कह रहा था मैं अभी? क्या कह रहा था मैं अभी? इससे पहले क्या कह रहा था मैं? ये बात बताती है सबका मन कहीं 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 था। किसी का मन कहीं था, किसी का मन कहीं था, पर चलो आप सब सत्संग की बात ही बता रहे हो, इसका मन सबका मन था सत्संग में, ये अच्छी बात है। मैं ऐसे ही चलते फिरते कभी कभी पूछ लिया करता हूं, तो प्रेम ये भाव तभी पूर्ण है जब इसकी दृष्टि भगवान की ओर है, जब ये भावना भगवान की ओर देखे। तो जब जीवन में धन्यवाद का भाव स्थिर हो जाएगा, जब मन मान लेगा, और मन के मानने में बड़ा बल है, जिसे मन अपना मान लेता है, संसार छुड़ाने का प्रयास करे वो छूटता नहीं, जिसे मन अपना मान ले, जिस दिन मन प्रभु को अपना मान लेता है, फिर उस दिन संसार लाख छुड़ाने का प्रयास करे, और मैं तो कहता हूं प्रभु भी छुड़ाने का प्रयास करें। जब सप्तऋषियों को भेजा महादेव ने माता पार्वती के तप की परीक्षा लेने के लिए, तो माता पार्वती ने कहा आप मुझे शंकर जी से मन हटाने की बात कह रहे हैं? माता पार्वती ने कहा पहली बात तो कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी, और फिर तजऊं न नारद कर उपदेशु, आन कहें सत बार महेशु। स्वयं महादेव भी 100 बार मुझे आकर कहें तो भी मैं अपना मन उनके चरणों से हटाने को तैयार नहीं हूं। तू माने आना माने दिलदारा, असा ते तेनू रब मनिया। तू माने आना माने दिलदारा, असा ते तेनू रब मनिया। दस होर केड़ा रब दा गवारा, दस होर केड़ा रब दा दुआरा, असा ते तेनू रब मनिया। तू माने आना माने दिलदारा, असा ते तेनू रब मनिया। तेरी खातिर सब गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना। तेरी खातिर हर गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना। कहीं और ना सजदा गवारा, असा ते तेनू रब। जिस दिन मन मानेगा, जिस दिन मन प्रभु को प्रियतम स्वीकार कर लेगा, उस दिन तत्सुख सुखितम और अनन्यता जीवन में स्वयं प्रकट होगी, स्वयं स्फुरित होगी। तू माने आना माने दिलदारा, असा ते तेनू रब मने। तेनू रब मनिया, तू माने आना माने दिलदारा, असा तेनू रब मनिया। तू माने आना माने दिलदारा, तेनू रब मनिया। और ये अनन्यता का भाव, ये भक्ति का सौभाग्य है। इसके अभाव में भक्ति सौभाग्यवती नहीं होती। अब जैसे क्या है, अब सावन का महीना चल रहा है तो आप पीछे पड़ जाते हो शंकर जी के,
फिर कभी देवी जी के पीछे पड़ जाओगे। आपका इष्ट कोई एक हो, सबको प्रणाम करते हुए, किसी की भी अवज्ञा या निंदा न करते हुए, वो ध्यान से समझना, सबको प्रणाम करते हुए, लेकिन संबंध अपने इष्ट से हो, केवल अपने इष्ट से। आपका इष्ट कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कृष्ण के ही चरणों के मधुकर बने, वो तो अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, वो मेरे कहने से नहीं होगा, वो तो आपके संचित पुण्य से होगा। पर जिसके भी हो, अनन्य भाव से होना, जो भी आपका इष्ट हो वो एक हो, जो याचना हो, प्रार्थना हो, जो कहना हो, सुनना हो, वो अपने इष्ट से हो। सबको प्रणाम करते हुए, सबका हृदय से आदर करते हुए, किसी की भी अवज्ञा अवहेलना ना करते हुए, अपने इष्ट के प्रति अनन्य भाव। तेरी खातिर हर गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना, तेरी खातिर हर गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना, कहीं और ना सजदा गवारा, असा ते तैनू रब मन्या, कहीं और ना सजदा गवारा, असा ते तैनू रब मन्या। बाबा भुल्ले शाह कहते, महबूब दे दर ते आशिक दी, महबूब दे दर ते आशिक दी नमाज अदा हो जांदी है, ते जे माही सामने ना होवे पड़ी होई भी कजा हो जांदी है। किथे लिखी है ऐसी नमाज भला, किथे लिखी है ऐसी नमाज भला, अगे यार ना होवे नमाज होवे, ते जे गैर अगे सिर चुक जाए बंदगी भी गुनाह हो जांदी है। कहीं और ना सजदा गवारा, असा ते तैनू रब मन्या, कहीं और ना सजदा गवारा, असा ते तैनू रब मन्या, दस मोर केड़ा रब दा दुआरा, दस होर केड़ा रब दा दुआरा, असा ते तैनू रब मन्या, तू माने प्रकार। धन्यवाद से आरंभ करते हुए मस्तक झुकाकर पग धरिए इस प्रेम की गली में। जिस दिन मन स्वीकार कर लेगा प्रियतम को अपना, प्रभु ने तो स्वीकार किया ही है, प्रभु स्वीकार न करे जीव को तो आपको मुझे ये अवसर कैसे मिले। प्रभु ने तो स्वीकार किया ही है, जिस दिन आप प्रभु को अपना स्वीकार कर लेंगे, जिस दिन प्रेम का स्वरूप स्वभाव मन बुद्धि में आने लगेगा, उस दिन तत्सुख सुखित्वम और फिर अंत में अनन्यता, ये भाव हृदय में स्वतः स्फूर्त होंगे, क्योंकि ये किया नहीं जाता, ये तो होते होते हो जाता है। पर आरंभ आपको मुझे करना है। मेहरबान मेहरबान साहेब मेरा, सुख पाया सुख पाया सुख पाया, तो यहाँ 3 दिन की ये चर्चा श्री युगल सरकार के सुंदर सुकोमल श्री चरणों में विराम लेती है। आपकी आज्ञा हो तो मैं 10 मिनट और ले सकता हूँ। दस मिनट इसलिए मांगे मैंने क्योंकि मेरी दक्षिणा रह गई अभी। 3 दिन कथा सुनी है आपने,
दक्षिणा इसीलिए मांग रहा हूं क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। और दक्षिणा मेरी ये है कि आपके नित्य प्रति 2 मिनट चाहिए मुझे। 2 मिनट आपने हरि नाम लेना है, गा कर लीजिए, जप कर लीजिए, रट कर लीजिए, कीर्तन करिए, लेकिन वो 2 मिनट का हरि नाम आपने अपने लिए नहीं लेना है। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का को, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। बस ये 2 क्षण आप अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, जो नाम आपको प्रिय हो उस नाम को आप जपिए, रटिए, गाइए, ध्याइए, कीर्तन करिए, लेकिन ये 2 मिनट, ये 2 मिनट का जप, ये 2 मिनट का कीर्तन, क्योंकि यही कलि करम न धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। आपने स्वार्थ की भावना से नहीं, परम परमार्थ की भावना से ये 2 क्षण आपके जीवन के आपको इस भाव में निवेदन करने हैं। और एक बार हाथ ऊंचा करके मेरे साथ संकल्प कर लो कि कितने लोग मेरे भाव में मेरे साथ हैं। केवल 2 मिनट मांग रहा हूं मैं आपसे, आपको नित्य प्रति हरि नाम लेना है, ये पंक्ति गाकर अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का ओला, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास तुम बोल हो ना। ये क्योंकि मेरे आचार्य ने प्रेम की उपासना का आरंभ बताया है कहां से, सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख ना, सब सो। तो आपने यहां संकल्प लिया है और दक्षिणा स्वरूप मुझे केवल यही भाव आपसे चाहिए कि 2 मिनट हरि नाम आप नित्य लेंगे, सबके सुख का विचार करके, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वतदा पला। यही सीखा है आपने और मैंने संतों से, सबके सुख का विचार, इसी से मन स्वस्थ होता है, इसी से मन प्रेम के पथ पर चलने योग्य बनता है। आपको एक छोटा सा भाव स्मरण आ रहा है, निवेदन कर दूं, जब ध्रुव जी जा रहे थे भजन करने, सौतेली माता ने बड़ा दुर्व्यवहार किया, पर जब ध्रुव जी जाने लगे तो माँ कहती है बेटा सौतेली माता को प्रणाम किए बिना ना जाना। ध्रुव ने कहा कि उसने तो बड़ा दुर्व्यवहार किया। माँ ने कहा बेटा भजन के पथ पर चलने के लिए तन का नहीं मन का स्वस्थ होना आवश्यक है। छोटी माँ के प्रति यदि अभाव रहा तो मन स्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं होगा तो कभी कभी प्रभु नहीं मिलेंगे। ये मन को स्वस्थ करने की औषधि है। मन जाने अनजाने अहित कर बैठता है, अहित का विचार कर बैठता है, ये प्रेम के पथ पर चलने के लिए जो बल चाहिए, ये मन को वो बल प्रदान करने का रसायन है। 2 घड़ी के लिए हरि नाम लेना, सबके सुख का विचार करके। और इससे पूर्व मैं इस 3 दिन की सुंदर चर्चा को विराम दूं, आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं। ये चर्चा राधा वल्लभ लाल के श्री कुंज बिहारी के युगल पाद पद्मों में निवेदन करते हुए, श्री महाप्रभु की कृपा कटाक्ष का स्मरण करते हुए, आप सबकी श्रद्धा विश्वास को वंदन करते हुए एक विनती और करता हूँ कि इन दिनों वैसे हम कभी वृंदावन से बाहर जाते नहीं, श्री जी झूले पर विराजते हैं और सब सखियों सहचरियों का यही धर्म है प्रिया प्रीतम की सेवा, संयोग ऐसा बना यहाँ पर आने का अवसर मिला, तो आज भी
राधा वल्लभ लाल तो झूले पर विराजमान है, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ श्री जी को झूला झूला कर ही यहाँ से जाएं। नैनन डारो कजरा हाथन बांधो गजरा, नैनन डारो कजरा हाथन बांधो गजरा, साजो सोलह सिंगार घिर आए बजरा, प्यारी झूलन पधारो घिर आए बजरा, ऐसो मान नाही की जय हठ तजिए अली, ऐसो मान नाही की जय हठ तजिए तो परम सयानी वृषभान की रे, घिर आए बदरा झुक आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा, पिय रसी तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका, जी कोई गावे गीत मल्हार झूले रानी तुम
मूसलधार झूले रानी झूला तो झूले
इत और ललिता उत और विशाखा सरकार झूले रानी राधिका ओ झूले अलबेली सरकार झूले रानी राधिका झूला तो झूले रानी राधिका झूला तो झूले रानी राधिका ओ कोई गावत गीत मला जीवन धन राधा वल्लभ रसीली मनमोहन की वेणु जय 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 श्री वृंदावन कौन हरिवंशी समरस दे जय 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 श्री वृंदावन अगोचर नित विहार दर्शन जय 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 श्री वृंदावन सलोनी पायो निकुंजन हरिवंश चंद्र अमृत वर्ष सकल जंतु तापन हरण जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरण जय जय हरिवंश चरण शरण